किशनगढ़ नाम के गांव में छोटू दादा नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपने नाम के मुताबिक लंबाई में छोटा था। गांव में अपना रुतबा जमाने के लिए वो एक दिन दिवाली के पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचा। अरे चाचा, कौनो बड़ा बेहुदा सबम दिखाइए ना। वो का है ना कि गांव में थोड़ा भोकाल जमाने का है। ओ वाहेगुरु माफ करे, मुझे बनाने को तो हम एटम बम भी बना देते हैं। आप यह देखो, इतना बड़ा बम ठीक रहेगा। का मजाक करते हैं चाचा, इतना बड़ा डायनासोर जैसन फैक्ट्रिया में ये मूस जैसा छोटा सा बम मिलत है। अरे हमका हाउ चाहिए एक छो बड़का सा बम। ओ जी वड्डा भी बन जाएगा, तो उसे इधर साइज लिख दो। ले लीजिए चाचा, साइज हम लिख दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जी शुक्रिया की कोई बात नहीं हैगी। ओ जी बस 10,000 की पेमेंट कर दो। अरे पैसा तो सब हाथ का मिलना है चाचा, वो का है ना कैश तो सब नोटबंदी में ना चला गया। ऐसा करो, ये लो हमारा फोन रख लो, 20,000 का है। इतना कहकर छोटू दादा वहाँ से चला गया। अगले दिन वो अपने दोस्त लंबू के घर पहुँचा। का लंबू बिरादर, तुम तो कहता था कि पॉकेट में रॉकेट है, आज किधर है तेरा बड़का रॉकेट? अरे तो हम कोनो मना थोड़ी ना किए हैं। ई देखो, ई है हमारा रॉकेट। तुम बोलो, तुम्हारा छटंकू बम किधर है? ही 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 ही। दाल भात तरकारी, हमारा नाम है छोटू बिहारी। अरे लंबू, अभी तुमका ही रॉकेट में बांध के उड़ाए ना, तो पहले तो जाओगे चांद पर, और के बाद छपरा में किसी झोपड़े के छप्पर पर गिरोगे सीधा। उड़ बक्का का, आओ हम दिखाते हैं तुमका बम का होता है। चलो चलो हमारे साथ। ये देखो, ये होता है बम। आए ये तो कजबे कर दिए छोटू दादा, चलिए ना इनका फोड़ के देखते हैं। आप किए ना कुछ कायदे का बात, चलो फॉलो मी। और फिर दोनों उस बम को लेकर गांव में एक खाली जगह पे पहुंचे, जहां छोटू ने बम को दगा दिया। का हो, आया ना मजा? हाँ हो, आया तो, पर थोड़ा और बड़का बम होता ना तो और भी मजा आता। हाँ और बड़का बम, चलो तुम चलो हमारा साथ। और फिर दोनों लोग पटाखा फैक्ट्री पहुंचे। अरे चाचा ऐसा है कि हमको तनिक और बड़का बम बनाए के दे, इस साइज फाइज हम सब कॉपी में लिख दिया है। ओ जी बन तो जाएगा, लेकिन पेमेंट? चाचा ऐसा है कि पैसा चाहे जितना लग जाए, नाच तो हवेलिये पे ना होगा। बोलिए कितना पैसा लगेगा? ओ ज्यादा नहीं जी, बस 50,000। पचास हजार? अच्छा ऐसा करिए, ये चाबी रखिए, हमारा बाइक का है। कैश का तो आपको बताइए ना किए थे। हाँ जी, ओ नोटबंदी। हाँ ठीक ठीक, बस बस बुझा गया। बड़ा बम मिलने के बाद दोनों उसे लेकर गांव के बाहर उसी जगह पर पहुंचे। का लंबू, दगा दिया जाए का? अरे हाँ छोटू दादा, दगाइए ना। छोटू ने बम को दगा दिया। आय लंबू, ये बम मजा तो बहुत दिया, लेकिन तनिक और बड़का बम होता ना तो कसम से ललन टाप मजा आ जाता। लेकिन छोटू दादा, आप पैसा किधर से लाएगा? अब तो सब झाड़े चुके हैं आप। अरे फिर वही बात, कहे ना दाल भात तरकारी, हम हैं छोटू बिहारी। अभी एक तो चीज बाकी ना है, चलो हमारा साथ। और दोनों फिर से पटाखा फैक्ट्री पहुंचे। इतना बड़ा? ओ जी इसमें तो 50,00,000 लग जाएंगे। चाचा पैसा कौड़ी का चिंता नहीं ना करिए, भोकाले खत्म हो गया तो पैसा का क्या करेंगे। ये लीजिए, ये है हमारा प्रॉपर्टी का पेपर, अब तो बन जाएगा ना। ओ जी जरूर बन जाएगा। ओ कोई है मुंडियानु, जरा चाय छाता पिलाओ। और इस बार बम बहुत बड़ा और विशाल था। का लंबू, तैयार तो हो ना? हाँ छोटू दादा, बस एकदम दगा ही दीजिए। हाँ तो देखो, पैसा सारा लगा दिए, लो हम बम को दगा दिए।
अरे हम तो भूले गए, चाचा बोले थे इसको 1 किलोमीटर दूर से दगाना है। एक रिमोट भी दिए थे जी। अब का किया जाए छोटू दादा? अबे करना का है, भागो पजामा उठाई के। लेकिन वहां से भागना काफी नहीं था। रामपुर गांव में विकास नाम का एक आदमी रहता था। विकास एक आविष्कारक था जो अजीब अजीब मशीनें बनाता रहता था। एक दिन विकास ने चीजों को छोटा करने वाली एक मशीन बनाई और एक फुटबॉल पर अपना प्रयोग करने लगा। जब विकास ने प्रयोग किया तो उसका प्रयोग उल्टा हो गया। वो फुटबॉल छोटा होने की बजाय बड़ा हो गया। उसी गांव में एक बहुत ही अमीर और लालची जमींदार रहता था। उसका नाम रंगा था। रंगा के पास 2 पहलवान बॉडीगार्ड थे। रंगा कहीं भी जाता तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर जाता था और गांव वालों को डराकर जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। एक दिन विकास का दोस्त उसके घर आया और उससे बोला, विकास मुझे एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल का आइडिया आया है, क्या तुम वो मोटरसाइकिल मेरे लिए बनाकर दे सकते हो? अगर तुम मुझे वो उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाकर दे दो तो मैं तुम्हें उसका 3 लाख दूंगा। उसकी बात सुनकर विकास बोला, हाँ मैं तुम्हारे लिए वो उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना दूंगा। मुझे 1 महीना लगेगा वो मोटरसाइकिल बनाने में, तुम 1 महीने बाद आना और अपनी उड़ने वाली मोटरसाइकिल ले जाना। विकास ने उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया और 2 ही हफ्तों में मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई। फिर विकास सोचने लगा, मैंने ये मोटरसाइकिल इतनी जल्दी बना ली मगर मैं उसे अभी ये नहीं बताना चाहता। वो 1 महीने बाद अपनी साइकिल लेने के लिए आएगा, तब तक इसे मैं खुद ही इस्तेमाल करूंगा, मैं अभी इसे उड़ाता हूँ। थोड़ी ही देर में विकास उस मोटरसाइकिल को हवा में उड़ाने लगता है। विकास उस मोटरसाइकिल को उड़ाते उड़ाते आसमान में बहुत ऊपर ले जाता है। तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ एक जादुई टापू दिखाई देता है। विकास टापू देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा टापू आसमान में कैसे उड़ रहा है? इस टापू पर जाकर देखता हूँ कि इस पर क्या है। विकास उस जादुई टापू पर पहुंच जाता है। टापू पर घूमते हुए वो उस टापू पर एक बहुत विशाल मुर्गी को देखता है। थोड़ी देर में वो विशाल मुर्गी एक बहुत बड़ा सोने का अंडा देती है। विकास उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, लगता है ये एक मायावी मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही है। अगर ये अंडा मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। विकास उस अंडे को चुपके से चुरा लेता है और उसे अपनी मोटरसाइकिल से बांधकर टापू से नीचे अपने घर ला रहा होता है। तभी रंगा उसे देख लेता है। इतना बड़ा सोने का अंडा देखकर रंगा को लालच आ जाता है और वो सोचता है, आइयो इतना बड़ा सोने का अंडा इसके पास कैसे आया, मुझको वो अंडा चाहिए। मैं अभी विकास के घर जाता हूँ और उससे वो सोने का अंडा छीन लेता हूँ। तो रंगा अपने गुंडों के साथ विकास के घर पहुंच गया और बोला, आइयो विकास मुझको वो सोने का अंडा चाहिए, चुपचाप उसे मुझे दे दो वरना मेरे बॉडीगार्ड तुमको मार मार कर तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देगा। विकास डर जाता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें वो अंडा दे देता हूँ, यहीं रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। विकास अपने घर के अंदर आ जाता है। वहाँ उसकी चीजों को बड़ा करने वाली मशीन पड़ी होती है। वो किचन से एक अंडा लेकर उस पर सोने का पेंट करके उसे मशीन की मदद से बड़ा कर देता है और रंगा को दे देता है। रंगा बहुत खुश हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वापस चला जाता है। विकास सोचता है, इससे पहले कि रंगा को पता चले मैं जल्दी से असली अंडे को दूसरे शहर में जाकर बेच देता हूँ। विकास असली सोने के अंडे को एक टेम्पो में रख कर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ उस जादुई टापू पर
वो विशाल मुर्गी अपना अंडा ढूंढ रही होती है। जब उसे अपना अंडा नहीं मिलता तो वो मुर्गी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने अंडे को ढूंढने के लिए नीचे रामपुर गांव में चली जाती है। वहां वो देखती है कि विकास उसका अंडा टेम्पो में लेकर जा रहा है। गुस्से में मुर्गी उस टेम्पो को पलट देती है और अपना अंडा लेकर वापस उसी जादुई टापू पर चली जाती है। वहीं रंगा को जब पता लगता है कि विकास ने उसे नकली अंडा दिया था तो रंगा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ विकास के पास पहुंच जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है। आयो मारो इसको, मार मार के इसका हड्डी का चटनी बना दो।